बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी और 36 बिरादरी के सुनहरे दिन थे। अब आप कहेंगे सुनहरे दिन कैसे थे मैडम? सुनहरे दिन यूं थे भाई, अपने युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी मिला करती। मुझे याद है वो समय, तब तो ये ठेके की नौकरी लेने वाला भी कोई नहीं हुआ करता। लोग कहा करते मैडम लगवाना है तो पक्की नौकरी लगवाइयो, ठेके की नौकरी हमें नहीं चाहिए। आज सिलेंडर 1100 का है, आज हमारी माताओं बहनों को गैस से दोबारा चूल्हे पर ले आई है ये सरकार। आज बीजेपी में हिम्मत नहीं है कि कांग्रेस का मुकाबला कर सके, तो अपने छोटी छोटी टीमें इन्होंने चुनाव में निकाल दी। कौन है इनकी छोटी छोटी टीमें? इनेलो हो, जजपा हो, ये इन्हीं की बी टीम है, इन्हीं के इशारे पे ये काम करती है। और इनके लिए आम जनता ने एक नाम भी रखा है, ये है वोट काटू पार्टियां। और जो 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, उनको 6,000 बिना शर्त के 6,000 रुपए। तो माताओं बहनों, हर महीने नए नए सूट सिमाया करियो, जब 6,000 रुपए गोद में आएंगे। तो ऐसे ही कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा, पहली कलम से वो चिट्ठी लिखेगा कि अग्निवीर योजना को रद्द कर दिया जाए। बुजुर्गो, नौजवान साथियों, आज हमारे देश में ऐसी सरकार है जिसको केवल 3-4 पूंजीपति चला रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री तक इनके इशारों पर नाचते हैं। करती हूँ आपकी बेटी, आपकी बहन, जब भी मौका मिलेगा इस प्यार को, इस मान सम्मान को सवा करके लौटाएंगे अपने सिंधी गांव। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कांग्रेस की सरकार थी और 36 बिरादरी के सुनहरे दिन थे। अब आप कहेंगे सुनहरे दिन कैसे थे मैडम? सुनहरे दिन यूं थे भाई, अपने युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी मिला करती। मुझे याद है वो समय, तब तो ये ठेके की नौकरी लेने वाला भी कोई नहीं हुआ करता। लोग कहा करते मैडम लगवाना है तो पक्की नौकरी लगवाइयो, ठेके की नौकरी हमें नहीं चाहिए। आ रही है आवाज? तो युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी मिला करती, फौज में पक्की भर्ती हुआ करती, हमारे खिलाड़ियों को पूरा मान सम्मान मिला करता। याद है वो एक नीति हरियाणा सरकार लेके आई थी, पदक लाओ और पद पाओ। उस नीति के तहत हमारी इस गांव की एक बेटी भी इंस्पेक्टर लगी हुई थी, अभी आज भी शायद वो कोसली में या कहां इंस्पेक्टर लगी हुई है, कविता चहल। अगर वो इस सरकार में पद लेकर आती तो आज घर बैठी होती। ये तो हुड्डा साहब की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने खिलाड़ियों के बारे में सोचा, उनके भविष्य के बारे में सोचा। हमारी नहरों में हर 15 दिन में पानी आया करता, और इतना पानी आया करता कि काई जम जाया करती नहरों में। खाद, यूरिया, डीएपी खुले में मिला करता, समय पर मुआवजा मिला करता। हमारे जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं उनको स्कूलों में वजीफा मिला करता। और 50 साल कांग्रेस ने राज किया भारत पर। लोग कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया, बेशक कुछ ना किया हो, कम से कम सरकारी स्कूल तो बंद नहीं होने दिए। कल मैं एक शिक्षा विभाग के एक आला अधिकारी से बात कर रही थी, उन्होंने मुझे कुछ आंकड़े बताए। बोले पहले हरियाणा में 15,000 सरकारी स्कूल थे, अब केवल 9,000 रह गए, केवल 9,000। याद करो वो समय पिछड़े वर्ग के मेरे भाइयों, जब 100-100 गज के प्लॉट मिला करते और हमारे बुजुर्गों को बिना शर्त पे पेंशन मिला करती। और सिलेंडर केवल 350-450 रुपए का था, आज तो 1100 रुपए का हो गया। तब ये बीजेपी वाले मगरमच्छ के आंसू निकाला करते और कहते थे हाय हाय कांग्रेस ने सिलेंडर 400 रुपए का कर दिया। आज वही बीजेपी वाले चुपचाप बैठे हैं, आज सिलेंडर 1100 का है, आज हमारी माताओं बहनों को गैस से दोबारा चूल्हे पर ले आई है ये सरकार। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 2020 में जब किसान आंदोलन हुआ और हमारे 750 किसान शहीद हुए, तो हमने एक प्रण लिया था कि इस सरकार को, इस तानाशाही सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। और आज वो समय आ गया है।
पिछले 10 सालों से इन्होंने हमें जात पात में बिचलाए रखा, मंदिर मस्जिद में बिचलाए रखा, और अब चुनाव आ गया है, दोबारा हमें बिचलाने की कोशिश कर रहे हैं दोबारा। और कैसे आज बीजेपी में हिम्मत नहीं है कि कांग्रेस का मुकाबला कर सके, तो अपने छोटी छोटी टीमें इन्होंने चुनाव में निकाल दी। कौन है इनकी छोटी छोटी टीमें? इनेलो हो, जजपा हो, ये इन्हीं की बी टीम है, इन्हीं के इशारे पे ये काम करती है। और इनके लिए आम जनता ने एक नाम भी रखा है, यह है वोट काटू पार्टियां, जिनका काम है केवल और केवल वोट काटना, किसान भाइयों की वोट काटना, महिलाओं की वोट काटना, पिछड़े वर्ग की वोट काटना, ताकि कांग्रेस का नुकसान कर सके जितना भी हो सके। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अगर आपने अपना वोट इन वोट काटू पार्टियों को दे दिया है, तो मैं बताती हूं क्या होने जा रहा है। हमारे जो युवा हैं, यूं ही बेरोजगार घर बैठे रहेंगे, अग्निवीर योजना यूं ही चलती रहेगी, यूं ही 48-48 दिन में नहर आएंगी, ना कि 15 दिन में, 48 दिन में नहर आया करेगी, यूं ही बूंद बूंद पानी के लिए हम तरसते रहेंगे, यूं ही ये हमारे भाईचारे को खराब करते रहेंगे, यूं ही हमारे बेरोजगार भाई घर पे बैठे रहेंगे, और यूं ही हमारे पढ़े लिखे एमएससी एमफिल युवा भी डी ग्रुप की नौकरी करते रहेंगे। तो आपका भविष्य आपके हाथ में है, हर वोट कीमती है। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हुड्डा साहब ने वादा किया है, भाई किसान भाइयों की आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। हुड्डा साहब ने वादा किया है हर 15 दिन में तो नहर आएगी, अगर कोई सुंडी नहीं काटी जाएगी, जो सूंड काट के चले जाते हैं, खुले में खाद यूरिया डीएपी मिला करेगा, समय पे मुआवजा आया करेगा। हुड्डा साहब ने वादा किया है कि हमारे जो पिछड़े वर्ग के भाई हैं उनको 100-100 गज के प्लॉट मिलेंगे, और उसके साथ 3 लाख रुपए भी मिलेंगे। और हमारी जो 18 साल से ऊपर की माताएं और बहनें हैं, 18 साल से ऊपर की जो माताएं और बहनें हैं, उनको 2-2 हजार रुपए हर महीने। और जो 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, उनको 6-6 हजार बिना शर्त के 6 हजार रुपए। तो माताओं बहनों, हर महीने नए नए सूट सिमाया करियो, जब 6 हजार रुपए गोद में आएंगे। तो 3 दिन पहले रानीला गांव में भाई दीपेंद्र हुड्डा आए थे, उन्होंने वादा किया था कि जैसे ही कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा, पहली कलम से वो चिट्ठी लिखेगा कि अग्निवीर योजना को रद्द कर दिया जाए और दोबारा फौज में पक्की भर्ती शुरू की जाए। बुजुर्गो, नौजवान साथियों, ये अग्निवीर योजना एक ऐसी योजना है जिसमें 4 साल की नौकरी तो है ही, पर कोई पेंशन नहीं, कोई कैंटीन की सुविधा नहीं, और ऊपर से इन अग्निवीरों को कश्मीर में भेजा जाता है सबसे पहले, और वहां पे अगर शहीद हो जाए तो शहीद का दर्जा भी नहीं दिया जाता। जब हम बरसाना गांव गए तो एक महिला थी, वो बताने लग गई कि मैं बताती हूँ अग्निवीर योजना क्यों लेकर आए। तो हमने उनसे पूछा क्यों, बोले आज इस देश के बड़े बड़े हवाई अड्डे, बड़े बड़े रेलवे स्टेशन, बड़े बड़े सारे बंदरगाह अडानी और अंबानी को दे दिए गए हैं। वो उन हवाई अड्डों पर, बंदरगाहों पर गार्ड चाहते हैं, गार्ड जो ट्रेन्ड गार्ड हो। तो सरकार अपने खर्चे पर 4 साल की उनको ट्रेनिंग देगी और फिर उनको रिटायर कर देगी 21-22 साल की उम्र में ही, और फिर औनी पौनी तनख्वाह में अडानी और अंबानी उनको बतौर गार्ड अपने हवाई अड्डों पर, अपने बंदरगाहों पर लगा देंगे। ये कारण है ये अग्निवीर योजना लेकर आए। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज हमारे देश में ऐसी सरकार है जिसको केवल 3-4 पूंजीपति चला रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री तक इनके इशारों पर नाचते हैं। आपको याद होगा जब किसान आंदोलन हुआ, हमारे प्रधानमंत्री के पास पूरा 1 साल हमारे किसान भाई बैठे रहे, पर प्रधानमंत्री के पास कभी टाइम नहीं था किसान भाइयों से आकर बातचीत करें। पर जैसे ही अडानी या अंबानी के लड़के की शादी होती है, हमारे प्रधानमंत्री के पास 2-2, 3-3 घंटे का समय आ जाता है उनके बच्चों के शादी ब्याह अटेंड करने के लिए, और वो भी तब जब वो दिल्ली में नहीं, गुजरात या मुंबई में कहीं हो। तो इनको अपने पूंजीपति लगते हैं, किसान तो इनको पराए लगते हैं।
और भला केवल अपनों का किया जाता है, परायों का तो कौन भला करता है। तो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इस पराई सरकार को अब पराया कर देना और इस अब की बार कांग्रेस को अपना लेना। कांग्रेस पार्टी का हाथ, ये जो हाथ का निशान है, किस लिए चुना गया? हमेशा आशीर्वाद देने के लिए यूं हाथ दिया जाता है। और कांग्रेस पार्टी का जो हाथ है हमेशा ही किसान, मजदूर, कमेरा वर्ग के साथ रहा है, हमेशा से ही। मैं आपसे अब पूछना चाहूंगी, कितने लोग परेशान है फैमिली आईडी से, परिवार पहचान पत्र से? सारे के सारे। तो जब भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार या उसका कोई वर्कर आए तो उसे जरूर पूछ लेना, भाई तुम्हारी सरकार ने परिवार पहचान पत्र हरियाणा में लागू कर रखा है, प्रॉपर्टी आईडी हरियाणा में लागू कर रखी है, पोर्टल की सरकार बना रखी है, पर तुम 30 साल से गुजरात पर राज कर रहे हो, क्या कारण है कि गुजरात में ये पोर्टल की सरकार नहीं है? क्या कारण है मध्य प्रदेश में तुम 20 साल से राज कर रहे हो और मध्य प्रदेश में पोर्टल की सरकार नहीं है? उत्तर प्रदेश में भी इनकी सरकार है, उत्तराखंड में भी इनकी सरकार है, केवल हरियाणा के इन्होंने कहीं भी परिवार पहचान पत्र लागू नहीं कर रखा। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में यह वादा किया है कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी, अगर 8 अक्टूबर को कांग्रेस की सरकार बनती है, 9 अक्टूबर से ये जो पोर्टल सिस्टम है इसको रद्द कर दिया जाएगा, फैमिली आईडी को रद्द कर दिया जाएगा, और जैसे पहले केवल आधार कार्ड से ही सारे काम हुआ करते, वैसे ही काम हुआ करेंगे। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपका भविष्य आपके हाथ में है। आज के दिन पूरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की आंधी चल रही है, पूरे हरियाणा में। और आंधी नहीं, मैं तो कह रही हूं ये आंधी अब तूफान में बदल चुका है। और आप सभी जानते होंगे सिरसा के उम्मीदवार ने अपनी भारतीय जनता पार्टी की टिकट वापस लौटा दी, जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार था सिरसा में। इसी तरह पेहुआ के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने अपनी टिकट वापस लौटा दी। और 2 दिन पहले खरखोदा जो कि सोनीपत में आता है, उसके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने भी अपनी टिकट वापस लौटा दी। बोला, मैं तो निर्दलीय चुनाव लड़ लूंगा, मेरे बस की बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ना। और इसका कारण है, आज हरियाणा की जनता हिसाब मांग रही है, किस मुंह से ये जाकर आम आदमी से वोट मांगेंगे, किस मुंह से हिसाब मांग रही है बेरोजगारी का, हिसाब मांग रही है 750 शहीद किसान भाइयों का, हिसाब मांग रही है हमारी जो बेटियों और बहनों की पिछले 10 साल में जो बेइज्जती हुई है उसका, हिसाब मांग रही है जिस तरह का खिलवाड़ इन्होंने हमारे खिलाड़ी भाइयों के भविष्य से किया है उसका। क्योंकि यहां से कई खिलाड़ी निकले हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, चाहे कोई बड़े गेम्स हो, हमेशा से ही हरियाणा की हिस्सेदारी उनमें रहती है बढ़ चढ़ कर। इस बार 6 ओलंपिक के मेडल आए, 6 और 6 हरियाणा के थे, पूरे देश में और किसी राज्य से कोई मेडल नहीं आया, केवल हरियाणा के युवाओं ने मेडल जीते। उससे पहले भी कॉमनवेल्थ गेम हो, हमेशा हरियाणा के युवा ही मेडल जीतते हैं, पर फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतना पक्षपात करती है कि उत्तर प्रदेश, जिसने आज तक 1 ओलंपिक मेडल नहीं जीता, उसको 1600 करोड़ रुपए दिए जाते हैं और हरियाणा को केवल 60 करोड़ रुपए। कहां 60 करोड़, कहां 1600 करोड़। तो क्या हमें ऐसी सरकार चाहिए? बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 5 अक्टूबर को इतनी जोर से आप बटन दबाएं, 3 नंबर का बटन है, 3रे नंबर का हाथ का निशान है कि अगली बार ऐसी पार्टी की कोई टिकट लेनी ही ना बचे और उसकी गूंज दिल्ली और चंडीगढ़ तक जाए। अरे कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है। जय हिंद, जय भारत।